بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। टुडे आवर टॉपिक इज़ पोएम नंबर 18, लव एंड असेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय मौलाना जलालुद्दीन रूमी। तो स्टूडेंट्स, आज जो है पोएम्स के सेक्शन में से हम 18 पोएम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये एक सूफी बुजुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पोएम लिखी है। इससे पहले हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक पोएम जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि पोएम नंबर 16 थी, गॉड्स एट्रीब्यूट। तो उसमें भी हमने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। तो आज के लेक्चर में भी हम मौलाना जलालुद्दीन की लाइफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, और फिर इस पोएम के थीम को, और फिर इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को, और सिनोनिम्स को, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो है, जैसे कि पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि आपका जो पूरा नाम था वो जलालुद्दीन था, और आपको जो है वो एजाज़ के तौर पे, ऑनर के तौर पे जो है मौलाना के नाम से जो है वो पुकारा जाता था। आप जो है 1207 में 30 सितंबर को बल्ख, जो कि अफ़ग़ानिस्तान का जो है हिस्सा है, वहाँ पे आप पैदा हुए, और आपने जो है 17 दिसंबर में टर्की के शहर कोनिया में जो है वो आपका इंतकाल हुआ। और आप बहुत बड़े जो है सूफ़ी मिस्टिक थे, पोएट थे, अल्लाह के आप वली थे, और आपकी जो किताबें हैं उनको जो है रिलीजियस हवाले से है जो बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और आपको पढ़ा जाता है। तो ये आपका जो है मज़ार जो है वो टर्की में ही वाक़िया है। टर्निंग पॉइंट ऑफ रूमीज लाइफ। तो स्टूडेंट्स, मौलाना रूमी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आया, जो टर्निंग पॉइंट आया, वो उस वक्त आया जब 1244 में आपकी मुलाकात एक दरवेश, एक बुजुर्ग शमसुद्दीन ऑफ तबरेज उनसे हुई, जो कि एक बहुत बड़े जो है वो बुजुर्ग थे। तो उनकी कंपनी में जब आप बैठे, तो उसके बाद जो है स्पिरिचुअली आपकी लाइफ जो थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आया, और जो है 10 साल तक जो है आप जो है हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की जो है वो उनके साथ आपका साथ रहा, और आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद जो है रूमी स्पेंट मोस्ट ऑफ द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन एनाटोलिया। एनाटोलिया जो कि टर्की का हिस्सा है, और उस वक्त जो थी वो सल्तनत उस्मानिया जो है, ऑटमन एम्पायर, उसका ये हिस्सा थी, तो उसमें आपने ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारा। वेयर ही फिनिश 6 वॉल्यूम्स ऑफ हिज मास्टर वर्क द मसनवी। आपकी जो है मसनवी जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है पढ़ा जाता है, उसके 6 वॉल्यूम्स हैं, 6 जिल्दें हैं, और आपने ये जो है अनाटोलिया में ही जो है इसको जो है
आपने मुकम्मल किया था, तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस आए, उसके बाद जो आपके काम के अंदर निखार आया, तो उसका एक एलिमेंट ये कहा जाता है कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़, जिनका जो मज़ार है वो मुल्तान में वाक़िया है, आप एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, तो इनकी कंपनी में जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आया। नाउ टॉक अबाउट द पॉपुलर वर्क्स ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी। दीवान शमसे तबरेजी इज वन ऑफ द मास्टर पीसीज ऑफ रूमी। के रूमी के जो राइटिंग है उनमें से जो दीवान शमसे तबरेजी है, ये आप समझ लें कि ये आपके मास्टर पीसीज में से एक है, और ये गजल्स की कलेक्शन है जो इसके बारे में ये कहा जाता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैज रिटन दीज गजल इन द ऑनर ऑफ हिज फ्रेंड दरवेश शमसुद्दीन, जो कि आपके दोस्त भी थे और आपने उनसे इंस्पायरेशन भी ली, और आपकी लाइफ में जो है ये जो टर्निंग पॉइंट आया, जो चेंज आया, वो भी उनकी वजह से आया। तो आपके इस काम को जो है पर्शियन लिटरेचर में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। उसके बाद जो है आपका ये जो दीवान शमसे तबरेजी है, ये 3000 के करीब जो है इसमें जो है वो गजल्स आपने लिखी हैं, और ये कहा जाता है कि इसमें जो है 40,000 ऑलमोस्ट जो है वो वर्सेस हैं। मथनवी या मसनवी जिसको जो है वो बोला जाता है, ये आपकी जो है वो फेमस राइटिंग है, और ये कहा जाता है कि आपने जो है ये आपका मॉरलिस्टिक स्टाइल में आपने ये लिखी हुई है। इट इज़ बिलीव दैट रूमी स्टार्टेड द वर्क ऑफ मसनवी एट द सजेशन ऑफ हिज कंपेनियन, आपका एक दोस्त था हसामुद्दीन, और उसके आपने जो है सजेशन के ऊपर जो है वो आपने ये जो है वो राइटिंग की थी, और आपकी ये जो राइटिंग है ये 6 वॉल्यूम्स जो हैं इसके हैं, और ये मजहबी लिहाज से जो है इसको पर्शियन लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अहमियत हासिल है, और इससे जो है लोग जो है वो दीनी रहनुमाई जो है वो हासिल करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएम। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गॉड्स एट्रीब्यूट, तो अब इस पोएम के हम थीम को जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइटल हमारा है लव इज एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो मौलाना रूमी यहाँ पे कहते हैं लव इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, इट इज लव दैट चेंजेस द एडवर्सिटीज इन टू प्लेयर्स, थॉर्न्स बिकम रोजेज, विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन, बर्निंग फायर ए प्लीजिंग लाइट, सिकनेस बिकम्स हेल्थ एंड द किंग ए स्लेव, लाइफ बिकम्स अ सक्सेस एंड प्लेयर्स बिकॉज ऑफ लव, अदरवाइज लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो स्टूडेंट जो है इस पोएम का थीम जो है, जैसे कि टाइटल आपको आपके सामने है कि मौलाना रूमी ने इस पोएम के अंदर ये बताया है कि मोहब्बत जो है वो तमाम मजाहब की ज़रूरत है, तमाम मजाहब का निचोड़ है। तो ये कोटेशन है, ये ज़रा आप पढ़ लें तो आपको मौलाना रूमी के ख्यालात और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई बिलोंग टू नो रिलीजन, माई रिलीजन इज लव, एवरी हार्ट इज माई टेम्पल। तो मौलाना रूमी ने जो है मोहब्बत की अहमियत पे जो है इस पोएम के अंदर जो है वो जोर दिया है, और मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में आज तक जितने भी मजाहब आए हैं सब ने मोहब्बत को जो है वो फ़रोग दिया है, और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि एक पैगंबराना जज्बा है, जिससे जो है हर जो गम है वो खुशी में बदल जाता है, कांटे फूल बन जाते हैं, और जो दुख है वो सुख में बदल जाते हैं, जो जो बीमारी है वो हेल्थ में बदल जाती है, सेहत में बदल जाती है, और आप ताकतवर को भी जो है वो जेर कर लेते हैं, और ज़िंदगी जो है वो हैप्पीनेस की तरफ जो है वो चली जाती है। तो बेसिक जो थीम है इस पोएम का वो इम्पोर्टेंस ऑफ लव है, कि मोहब्बत जो है उसका कोई मज़हब नहीं है, वो हर मज़हब की जो है वो ज़रूरत है, और मोहब्बत जो है बेसिकली हर मज़हब के अंदर है।
तो अब स्टूडेंट जो है हम पोइम्स पोइम के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। लव एंड असेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, मोहब्बत तमाम मजहब की जरूरत है। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स ए थ्रॉन। थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो है वो मोहब्बत की जो अहमियत है उसके बारे में जो है वो बताते हैं। वो कह रहे हैं कि मोहब्बत से जो कांटे हैं जो खार हैं वो गुलाब बन जाते हैं, और मोहब्बत से जो है सिरका जो है वो मीठी शराब बन जाता है। विनेगर जो है वो सिरके को कहते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो शराब बन जाता है। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स ए थ्रॉन, के मोहब्बत से जो स्टेक जो है ये बेसिकली सूली को या तख्तादार को कहते हैं, और थ्रॉन जो है ये तख्त को कहते हैं जो जो है वो शाही तख्त होता है। कहते हैं कि मोहब्बत से जो है सूली जो है तख्त बन जाती है। थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स ए गुड फॉर्चून, और मोहब्बत से ही बदकिस्मती जो है वो खुशकिस्मती में जो है वो बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी इन लाइंस के अंदर जो है मोहब्बत की अहमियत को जो है वो बयान कर रहे हैं, और कहते हैं कि मोहब्बत की एक ऐसा जज्बा है जो कि तमाम मजाहत की ज़रूरत है, और मोहब्बत से जो है आप जो कांटे हैं उनको जो है आप गुलाब में जो है वो बदल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कांटे हैं, कांटे यहाँ पे जो है ज़िंदगी की परेशानियों और मुसीबतों की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, और फूल जो है ज़िंदगी की मसरतों के अकास हैं यानी खुशियों के अकास हैं। तो शायर ये कहता है कि मोहब्बत जो है वो परेशानियों को जो है वो खुशियों में बदल देती है। मोहब्बत के बगैर दुनिया जो है बेरौनक और बेकैफ होती है, और मोहब्बत जो है उसके ज़रिए से जो खालिस जो सिरका है वो खालिस मीठी शराब में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पे सिरका ज़िंदगी की शदीद जो है वो तलखियों को जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, और जबकि जो शीरी शराब है ज़िंदगी की खुशियों की जो है वो अलामत है। जो नेक्स्ट लाइन्स हैं तो उसमें जो शायर कहता है कि मोहब्बत से तख्तादार को तख्त में बदला जा सकता है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी की परेशानियों को खुशी में बदल देती है। मोहब्बत जो है इसके बगैर जो है ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है वो फीकी है, और आप जो है मोहब्बत से जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, और आप जो है वो अपनी किस्मत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी मिस फॉर्चून को जो है वो गुड फॉर्चून में यानी खुशकिस्मती में जो है वो तब्दील कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट सेज, थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट। थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स ए जॉय। थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस। तो स्टूडेंट्स इन लाइन के अंदर जो शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी है वो कहते हैं कि मोहब्बत से जो है आप जो दहकती आग है उसको खुशगवार रोशनी में जो है वो बदल सकते हैं, यानी मोहब्बत से जो है आप जो शोले हैं जो गम है उनको खुशियों में जो है वो तब्दील कर सकते हैं, सख्ती को आप नरमी में बदल सकते हैं। थ्रू लव स्टोन बिकम सॉफ्ट एज बटर। और यहाँ पे जो है दूसरी बात जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कही है, उन्होंने कहा कि मोहब्बत से जो है आप किसी भी सख्त दिल को जो है वो मक्खन की तरह जो है वो नरम कर सकते हैं, यानी आप जो है पत्थर दिल इंसान को जो है वो मोम कर सकते हैं। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स ए जॉय, कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो गम को जो है वो खुशी में जो है वो तब्दील कर देता है, और मोहब्बत जो है वो दुश्मनी को जो है वो ख़त्म करने का बायस बनती है। थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस,
और मोहब्बत जो है वो ऐसा जज्बा है जो कि आपको जो है वो जो है शेर को भी जो है वो बेजरर जो है वो कर देता है। यानी कि मोहब्बत के जरिए से आप जो है कोई जानवर जो है उसको भी जेर कर लेते हैं। अगर हम बज़ाहर स्टूडेंट देखें तो शेर जो है ये एक बहुत ताकतवर जानवर जो है वो समझा जाता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि आप जो है इतने ताकतवर जानवर को भी मोहब्बत के जोर पे जो है आप अपना बना लेते हैं और वो जानवर जो है वो आपके लिए बेजरर जो है वो हो जाता है। यानी कि आप सख्त दिल इंसान को या किसी भी ताकतवर को भी आप अपना बना सकते हैं। तो दीज आर द लास्ट लाइंस ऑफ द पोएम। तो इन लाइंस में जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी मर्सी, थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, थ्रू लव द किंग बिकम्स ए स्लेव। तो स्टूडेंट शायरी कहता है कि मोहब्बत जो है वो बीमारी को जो है सेहत में बन जाती है या सेहत में बदल देती है, और रैत कहते हैं गुस्से को, गजब को, गजब को जो है हम रहम में जो है वो बदल लेते हैं। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, मोहब्बत से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और मोहब्बत से जो बादशाह है वो गुलाम बन जाते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं तो उसमें शायरी कहता है कि मोहब्बत बीमारी को सेहत में बदल देती है, यानी वो गुस्से को मेहरबानी में जो है वो तब्दील कर देती है। दिल का मरीज जो है वो जिस्म की बीमारी से ज़्यादा जो है वो खतरनाक होता है। शायर कहता है कि मोहब्बत दिल को जो है वो नरम कर देती है, उसमें जो है उसको सेहतमंद कर देती है, और जो रूहानी तौर पे बीमार होता है मोहब्बत जो है उसको तंदुरुस्त कर देती है, उसको रूहानी तौर पे जो है वो हेल्दी कर देती है। और इसी के साथ जो है मोहब्बत जो है मोहब्बत के जरिए से गज़ब जो है वो रहम बन जाता है। मोहब्बत एक गज़बनाक शख्स को रहम दिल इंसान में जो है वो तब्दील कर देती है। शायर कहता है नेक्स्ट लाइंस के अंदर कि जो ये लाइन है, थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, शायर कहता है कि मुर्दा दिल जिंदा और खुशबाश बन सकता है अगर इसे मोहब्बत के एहसास से भर दिया जाए। यानी वो दिल बेसिकली कहते हैं कि फिजिकली जो डेथ होती है वो कोई मायने नहीं रखती, इंसान जब जो है स्पिरिचुअली डाई हो जाए दैट इज ए रियल डेथ। तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि स्पिरिचुअली जो डेड पर्सन होता है उसके अंदर जिंदगी पैदा कर देता है, और मोहब्बत के जरिए से जो बादशाह है आप उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, यानी उसको उसका आप दिल जीत लेते हैं। तो आप जो है ये काम आप ताकत के जोर पे नहीं कर सकते, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जिसके ज़रिए से जो है आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं, यानी वो आपका जो है आप उसका दिल जीत सकते हैं, वो आपका आजिज हो सकता है। तो हम अगर बुजुर्गान दीन की लाइफ देखें तो बज़ाहर जो अल्लाह के वली हैं उनके पास दुनियावी लिहाज से वो अमीर लोग नहीं थे, लेकिन उनके सामने जो है वो मोहब्बत की वजह से बादशाह भी जो थे वो झुकते थे। तो ये स्टूडेंट जो है आज की हमारी पोएम है जिसमें जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने हमें दिया है कि हमें जो है मोहब्बत का प्रचार करना चाहिए। लव जो है दैट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, और मोहब्बत ही है जिसके ज़रिए से जो है आप किसी को बदल सकते हैं और आप अपने आप को जो है वो बदल सकते हैं। स्टूडेंट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स देयर उर्दू एंड देयर सिनोनिम्स। यहाँ पे वर्ड है थ्रोन, इसका मतलब है तख्त, यानी रॉयल सीट को कहते हैं। उसके बाद जो है स्टेक, जो है स्टेक का जो यहाँ पे मीनिंग है तख्तादार का है, यानी तख्तादार से मुराद होती है डेथ पोल, डेथ पिलर, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे वर्ड है फॉर्चून, किस्मत, लक को कहते हैं। इसके साथ जो है
वर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर्चून के बाद जो वर्ड है वो है हार्मलेस, बेजरर, हैविंग नो हार्म। फिर वर्ड है रैथ। रैथ जो है वो कहते हैं गुस्से को, गजब को, इसके सिनोनिम में एंगर वर्ड है। और उसके बाद जो है फ्यूरी जो है वो वर्ड है इंडिग्नेशन, या वो भी गुस्से को कहते हैं। और इसके बाद जो है विनीगर एक सिरके को कहते हैं जो कि तुरश होता है। एसिड लिक्वर मिसफॉर्चून, बदकिस्मती को, बैड लक को कहते हैं। इसके बाद ग्रीफ है, सैडनेस, और सैडनेस के बाद जो है आप सॉरो सिनोनिम्स में आ सकता है, मिजरी आ सकता है, डिस्ट्रेस जो है वो आ सकता है, और सिकनेस है, सिकनेस बीमारी, एलमेंट या डिजीज को कहते हैं। मर्सी रहम, और इसके सिनोनिम में काइंडनेस और फॉरगिवनेस, फॉरबियरेंस, सॉफ्ट हार्टेडनेस, तो सिंपथी, ये जो है स्टूडेंट्स जो है इसके जो है वो सिनोनिम्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ बोर्ड, के जो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से और कितनी दफ़ा जो है वो आए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 3 times जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है, मोहब्बत का असर क्या है। तो आंसर इसका है लव इफेक्ट्स ह्यूमन हार्ट एंड सोल डायरेक्टली, इट हैज मैजिकल पावर्स इन इट, इट कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, इट कैन ब्रिंग इंटायर चेंज इन आवर लाइफ, के मोहब्बत बिला वास्ता इंसानी रूह और दिमाग पर असर करती है, यह जादुई ताकत रखती है, यह हर चीज को बदल सकती है, यह हमारी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली ला सकती है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है 3 times जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है। टू इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव, क्या मोहब्बत के बगैर जिंदगी रहने के काबिल है। 1 time ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है। सो सी द आंसर, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग विदाउट लव, दिस इज एन असेंस ऑफ लाइफ, इफ वी ओमिट लव फ्रॉम लाइफ इट बिकम्स ड्रैब, के मोहब्बत के बगैर जिंदगी रहने के काबिल नहीं है। मोहब्बत जिंदगी की जरूरत है, अगर हम जिंदगी में से मोहब्बत निकाल दें तो जिंदगी बे रौनक हो जाती है, यानी डल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट 1 दफा आया है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज Why does the poet put emphasis on love 2 times स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है, शायर मोहब्बत पर क्यों जोर देता है। Now see the answer, the poet puts emphasis on love because he calls it an essence of all religions, he claims that love is remedy for all diseases, life becomes success by love, love can change a devil person into a pious man, it can make this world a paradise। शायद मोहब्बत पर जोर इसलिए देता है कि वो इसे तमाम मजाहत की जरूरत समझता है, वो दावा करता है कि मोहब्बत तमाम बीमारियों का इलाज है, मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो जाती है, मोहब्बत गुनाहगार को नेक आदमी में बदल सकती है, ये इस दुनिया को जन्नत बना सकती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 2 times बोर्ड के पेपर में आ चुका है। Four is, what do the thorns, roses, vinegar and sweet wine resembles? 2 times जो है ये question board के paper में आया कि कांटे, फूल, सिरका और मीठी शराब किस चीज से मुशाहबत रखती हैं? Now see the answer, thorns and vinegar resembles hardships of life, roses and sweet wine resemble the
रिवार्ड ऑफर्ड बाय अलमाइटी अल्लाह, कि कांटे और सिरका जो है जिंदगी की मुश्किलात से मुशाबत रखते हैं, फूल और मीठी शराब अल्लाह ताला की तरफ से इनाम से मुशाबत है या मुशाबत रखते हैं। टू टाइम्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम। एक दफा ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है, नज़्म का इखलाकी सबक क्या है। आंसर इज द पोएट टीचेस अस दैट एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द मैजिक ऑफ लव, थ्रू लव लाइफ बिकम्स ए सक्सेस। कि शायर हमें ये सबक देता है कि मोहब्बत के जादुई असर के जरिए से हर मसला हल हो सकता है, मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो सकती है। Six is write down the theme of the poem love and essence of all religions. Nazm ka markazi khayal likhe. To ye question jo student aapne context mein bhi jo hai wo theme likh sakte hain. Now see the answer. The poet highlights the warm and tender feelings of love. The poet wants to display the effects of love. He says that love is the need of all religions. Without love, life would be dull and dreary. शायर मोहब्बत के जज्बात को उजागर करता है, शायर मोहब्बत के असरात को जाहिर करना चाहता है। वो इसे तमाम मजहब की जरूरत कहता है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी जो है वो बेरौनक है। तो ये स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने पोएम नंबर 18 लव एंड असेंस ऑफ ऑल रिलीजन के बारे में पढ़ा है और हमने इस पोएम को जो है थॉरली डिस्कस किया है। हमने इसके थीम को और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे उसको डिस्कस किया और हमने पोएम को भी पढ़ा है और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपने इसको गौर से जो है वो सुना होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।